फंस गई मायावती। जी हाँ, फंस गई मायावती। कम शब्दों में अपनी बात रखने वाली मायावती इस बार तिलमिलाकर वाह बोल गई, जिससे शायद माया का झंडा दरबार ही खत्म हो जाए। यूपी की सियासत में अटल से लेकर अखिलेश तक मायावती को सम्मान की कुर्सी दे चुके हैं, शायद इसलिए क्योंकि दलितों की देवी वाला सर्टिफिकेट मायावती के पास है। मायावती दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर हमेशा सक्रिय सियासत में धमाल मचाती रही हैं, लेकिन कल जब मायावती ने कहा कि सपा को हराने के लिए चाहे भाजपा का साथ देना पड़े तो जरूर देंगे, उसके बाद से मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। मायावती भले ही सपा से राज्यसभा चुनाव के षड्यंत्र का बदला लेने के लिए सिर्फ एमएलसी चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की बात कर रही हों, लेकिन विपक्षी पार्टियों, राजनीतिक पंडितों ने भी बसपा को भाजपा की बी टीम घोषित कर दिया है। कांग्रेस की बागडोर संभाल रही प्रियंका गांधी ने तो मायावती का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब भी कुछ बाकी है क्या? जाहिर है कि 2017 के बाद मायावती पर भाजपा को बैकडोर से सपोर्ट करने का इल्जाम लगता रहा है, इसलिए प्रियंका ने इस कैप्शन का इस्तेमाल किया है। मायावती का ये बयान शायद उपचुनाव में ही बसपा की पराजय लिख दे, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो गई है। आपको बता दें कि मायावती के बयान के विपरीत दूसरी तरफ टुंडला उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा भाजपा को एक ही मयान की तलवार बता दिया। घुस करके उनके साथ में बलात्कार और गोली मारी जा रही है और उसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो ये कैसा राज है? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज हो, ये तो एक ही तरह का हाल चल रहा है और उसमें उन्हीं को प्रताड़ित करने के लिए उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है जो लोग इसमें जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमा कर दिया। आप ये ध्यान रखिए कि इस मौके पर आप खास तौर से अपने वोट को संभाल के रखिए और ये देखिए कि वोट आपका जो है वो कहां पड़ रहा है। वोट आपका सही जगह पड़ना चाहिए, वोट वहीं पड़ना चाहिए जो आपकी अपनी खुद की पार्टी है। अब ऐसे में पब्लिक कंफ्यूज है कि मायावती जी भाजपा को अपना बनाना चाहती हैं और उनके सिपाही भाजपा को दुश्मन का भाई बता रहे हैं, तो हम क्या करें? मायावती के बयान से उपचुनाव में केंद्रित सियासत लखनऊ से लेकर दिल्ली और एमएलसी चुनाव से लेकर 2022 के चुनावी समीकरण को साधने लगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मायावती ने ये बयान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली है, क्योंकि यूपी भाजपा का धुर विरोधी माने जाने वाला मुस्लिम समाज वोट देने से पहले सपा बसपा में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अब जब मायावती को भाजपा की बेटी माना जा रहा है तो ऐसे में मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ गोलियां आ सकता है, जिससे बसपा की 35 साल पुरानी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। बसपा हमेशा मुस्लिमों को अपने पाले में रखने के लिए खुले तौर पर बड़े बड़े वादे करती आ रही है, पर इस बयान के बाद सभी वादों के फेल होने की आशंका ज्यादा बन गई है। मायावती के बयान के बाद मुस्लिमों के वोटों पर सपा का एक अधिकार माना जा रहा है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के पूरे खेल में भले ही सपा फेल हो गई हो, लेकिन इस कांड से अखिलेश की सियासत में दम भर गया है और पूरे खेल में अखिलेश के सिर पर विजेता की टोपी सज गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।